पार्टी सिर्फ 6 साल पुरानी है, कंस्ट्रक्शन मोड च है, लेकिन आप काम करना चाहते लेकिन मौका देता लोगों ने। 72 साल हो गए गवर्नमेंट स्कूल इंप्रूव क्यों नहीं किए? ठीक है, वो इंप्रूव तो नहीं किए साड़ी माड़ी सियासत करके। मान साहब कहते हैं हम ऑरगैनिक ही रह गए, हम ऑरगैनिक ही चाहिए साड़ी पार्टी, गड़बड़ करने वाले बंदे इस पार्टी कामयाब होंगे नहीं। मैं ये कहा है कि अगर मेरे होंगे कोई इतने पैसा लग जाऊगा जुम्मेवारी मेरी होगी। मेरा मानना वा कि सच्चाई में थोड़े जो दबिया जा सकता है, मारिया नहीं जा सकता। सत श्री अकाल, अजीत वेब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ इंद्रप्रीत कौर पन्नू। सो पंजाब दे विच जो 4 जगह दे उपर जिमनी चोणा होण जा रही ने, इस दे वास्ते वख वख पार्टियां वल्लों अपने दिग्गज मैदान दे विच उतारे गए ने। सो जेकर गल करिए मुकेरियां दी, तां मुकेरियां तो आम आदमी पार्टी ने गुरत्यान सिंह मुल्तानी जिन्हों इत्थों जिहड़ी टिकट दित्ती है ते साडे नाल इस समय मौजूद ने। सो सब तो पहला तां इह जानना चाहुंदे आ कि आम आदमी पार्टी किस टीचे दे नाल इन्हां जिमनी चोणां दे विच। आम आदमी पार्टी दा टीचा वैसे सारी पब्लिक को भी पता है, साफ सुथरी सियासत ते सियासत में जो गंदगी पई हुई है उन्हें बिल्कुल साफ करना ये वा। और मकेरियां भी उ मुद्दे ने जोड़े बाकी सब जगह मुद्दे ने, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, ये सारे जोड़े रिश्वतखोरी मेरे हिसाब से जो मुद्दा है वो बाकी मुद्दे किसी ना किसी तरह जुड़िया हुआ। जिमें फॉर एग्जाम्पल अगर तहसीलों में धक्के पेंदे ने तो रिश्वतखोरी करके पेंदे ने, अगर वो लालची अफसर उत्थे ना हो, लालची लीडर ना हो तो लोगों को धक्के ना खाने पैन। जिमें माइनिंग का मुद्दा है वह भी किसी न किसी तरीके कनैक्टेड आ जाके रिश्वतखोरी ना ही है। तो मेरा ख्याल है कि रिश्वतखोरी जी हैगी है वो सारे प्रॉब्लम्स की जो रूट कॉज आप कह सकते वो रिश्वतखोरी है। सो जेकर गल करिए आम आदमी पार्टी की, तो एक जरा पिछे जे दौर चले से जिस विच एक लहर देखने को मिली सी आम आदमी पार्टी की, पर कुछ समय बाद जरा सी इस तरह दिया जो गल्ला कही जानिया शुरू कर दती कि आम आदमी पार्टी का झाड़ू जरा तीला तीला हो गया, जो आम आदमी पार्टी खिंड गई है। सो जेकर गल करिए मौजूदा स्थिति की, तो की लगता है कि उन्नी हवा है? एक्चुअली पार्टी सिर्फ 6 साल पुरानी है, कंस्ट्रक्शन मोड च है, ये बाकिया पुरानिया पार्टियां जिहड़ियां हैगियां कोई 70 साल है, कोई 100 साल पुरानी पार्टी है। हुण साडी पार्टी जो नवीं नवीं बनी एकदम उभार आया, इहदे विच कई लालची बंदे जां जिहड़े छेती उपर जाना चाहते सी, पैसा कमाना चाहते, छेती छेती मिनिस्टर बनना चाहते सी, वह भी आ गए। उन्होंने पार्टी नूं नुकसान जरूर पहुँचाया मैं मानदा, लेकिन हुण फिर दोबारा तो पहले वाली लहर साफ सुथरे लोगों के नाल नाल लैके वो अगे वांगू ही लहर बन रही है। क्योंकि हुण जिवें ना साडे मान साहब कहिंदे आ हुण ऑरगैनिक ही रह गए, हुण ऑरगैनिक ही चाहिए साड़ी पार्टी, गड़बड़ करने वाले बंदे इस पार्टी कामयाब होंगे नहीं। हर जगह जिहड़े इदां दे लोग सीगे जिहड़े ऑपरचुनिस्ट सीगे, जिहड़े टाइम दे हिसाब नाल आए हुए सी और टाइम माड़ा आया तो भज गए, उवें दे लोग तां गए। हुण मेरे वर्गे जां मान साहब वर्गे जां इदां दे लीडर रह गए जिहड़े लीडर नहीं हैगे, जिहड़े अपने आप नूं लीडर समझदे नहीं, लेकिन आपां काम करना चाहुंदे जेकर मौका देता लोगों ने। सो जेकर गल करिए जिस तरह जो मैंबर पार्लीमेंट दीआं चोणां होईआं सी ते आम आदमी पार्टी दी सिर्फ एक सीट जिहड़ी उन्होंने जीती है, तो की लगता है कि जिमनी चोणां दे विच हुण किस तरह दे? देखो जिहड़ी मैंबर पार्लीमेंट की इलैक्शन हुंदी है उहदे मुद्दे होर हुंदे ने, वह बिल्कुल सेंटर के मुद्दों से लड़ी जाती है, जां चेहरे तो जिवें मोदी साहब का चेहरा जां इदां दे चेहरे लड़ी जाती है। साडी पॉलिटिक्स उस तरह की नहीं, साडे जिहड़े अहम मुद्दे असीं लोकल मुद्दों की, मैं एक अगर MLA इलैक्शन लड़ रहा तो मेरा ख्याल है कि मैनू कॉन्सनट्रेट करना चाहिए मकेरियां कंस्टिट्यूएंसी से, कि मकेरियां कंस्टिट्यूएंसी की की प्रॉब्लम्स हैगियां उन्हें मैं कदम रैक्टीफाई कराँगा। हूँ मैं काम तो मकेरियां करी जाना, तो गल करी जाए मैं ट्रेन की, बुलेट ट्रेन की, वो कहता मैंने नहीं रखाती। सो MP की इलैक्शन तो असैम्बली इलैक्शन मेरा ख्याल है कि बिल्कुल इन्हों अड अड देखना चाहिए। सो जिहड़े मुकेरियां दी अगर गल करिए तो लोगों नूं तुसीं मिल रहे हो, उन्हां ते कैंपेनिंग कर रहे हो अपनी, तो कि लोगों के किस तरह के जो विचार उभर के सामने आते कि किस पार्टी तो किन्ने क नाराज़? एक्चुअली जी रिवायती पार्टी उन्होंने तो लोग सारे बहुत नाराज ने, और उन्होंने नाराज़ होना जायज़ भी हैगा। 72 साल हो गए, तुम भी पढ़े लिखे हो, मैं भी माड़ा मोटा पढ़िया, अपने गवर्नमेंट स्कूल पहला वधिया सी हुण माड़े हो गए। गवर्नमेंट स्कूल इंप्रूव क्यों नहीं किए? ठीक है, वो इंप्रूव तो नहीं किए साड़ी माड़ी सियासत करके। सो इंफ्रास्ट्रक्चर लै लो, सड़कां टुटिया आ, हस्पतालों में दवाइया नहीं मिल रही, गरीब बेचारा सड़कों पर रो रहा है, वह कारण 72 साल बाद भी अगर किसी देश के लोगों को यह काम सहना पैंदा, साथों जो बाद देश आजाद हुए चीन वर्गे जो होर साथों अगे लंघ गए। मेरा ख्याल है, मेरा अपना परसनल व्यू है कि वो पिछले सिर्फ कारण एक ही है, माड़े सियासतदान। सो जेकर गल करिए आम आदमी पार्टी जिस तरह उन्होंने एक मुद्दा सी नशियां का मुद्दा सी, से पंजाब की गल करिए अजे भी जरा नशियां के उपर ठल नहीं पई, उस तरह जरा चिट्टा या बाकी नशे उस तरह शरेआम विक रहे हैं। सो की लगता है इसके पिछे की कमियां रह गई या की कारण? देखो तुम इदा है भी जो भी काम करना, जमें नशे की गल की पिछे एडमिनिस्ट्रेशन
जिहड़ी हैगी जां सरकार दी जेकर नीयत साफ है करना चाहे सरकार तां कुछ भी हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन नूं अच्छे तरीके नाल काम करन वास्ते अलाउ करना इह सरकार दा काम है। जे सरकार जां एडमिनिस्ट्रेटर्स जिहड़े भी हैगे ने SDM साहब जां जिहड़े भी लैवल दे एडमिनिस्ट्रेटर ने उह चंगे तरीके नाल काम नहीं करनगे तां नैचुरली कोई भी मुद्दा खत्म नहीं हो सकता। पंजाब दी जो इह दिशा बणी इस दे पिछे किस नूं कारण? मैं उहदा कारण इक्को ही समझदा बई तुसीं गल कर रहे हो नशियां दी, बई नशा देखो अनइंप्लॉयड यूथ है, ठीक है। मेरा ख्याल अनइंप्लॉयड यूथ इस करके भी उन्हां दी जिहड़ी एजुकेशन है वह प्रॉपर नहीं हैगी। डिग्री हैगी है लेकिन क्वालिटी नहीं हैगी, तो उहदे करके वह किसी ना किसी तरह निराश तो हताश होकर फिर नशियां वल नूं वधदे आ। तो जेकर जिहड़े मुखेरियां दे लोक तुहानूं इत्थों जिता के भेजदे ने ते किहड़े जिहड़े मुद्दे ने विधानसभा दे विच पहल दे आधार ते? मैं मकेरियां अगर हल्के दे लोग मैनूं जिता के भेजदे आ, मकेरियां दे मुद्दे जिहड़े मेन आ उह मैं प्रायोरिटी बेसिस दे विधानसभा विच चकूंगा। जिवें माइनिंग दा मुद्दा इत्थे बहुत मेन आ, करप्शन मैं जड़ों कढ़न दी कोशिश करूँगा। मैं इह कहा कि अगर मेरे हुंदिआं कोई इत्थे पैसा लै जूगा जिम्मेवारी मेरी होगी, क्योंकि जिहड़ा हल्के दा इंचार्ज हुंदा मेरा ख्याल है उहदा MLA रिप्रजेंटेटिव है, उहदा अधिकार भी है, उहदी ड्यूटी भी बनती है कि उह सारियां जिहड़ियां इल्स जिहड़ियां स्ट्रैटेजी आईआं होईआं उहनूं खत्म करे। जी बिल्कुल। से जे लोग मुकेरियां दे लोग होर की दसदे ने कि उन्हां दीआं की मंगां ने जिहड़ियां पहल दे आधार ते हल कीतीआं जाणीआं चाहीदा? सब नूं पहलां तो रिश्वतखोरी, सारे पिंडां चले जाओ, उन्हां नूं पता है, थाणे चले जाओ, तहसीले चले जाओ, जिथे मर्जी चले जाओ, पैसे दा काम नहीं हुंदा। जिहड़ा प्रोसीजर सरल कीता जा सकदा उहनूं कंप्लीकेट कीता जांदा। तुहानूं मैं एग्जाम्पल दे दिंदा, मैरिज सर्टिफिकेट लैणा होवे ते मेरा ख्याल है 15-20 मिंट दा काम है। अगर तुसीं सारे डाकूमेंट बंदा लै के आंदा तुहानूं तंग क्यों करना, तुसीं दिओ इत्थें सवेरे बंदा बह जाता, शाम तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिलता जब तक ना चढ़ावा ना चढ़े, क्योंकि पैसा लैन वालों का तरीका हों बंदे नूं तंग करो, तुसीं पब्लिक को परेशान करोगे उन्हें फिर राह लभना कोई भी मैं किद्दां काम करवाउणा है, तो राह सौखा है भी नोट दो तो काम करा लो। सो की कहना चाहुंदे हो लोगों नूं अपने पार्टी के बिहाफ के उपर या की कहना? मैं लोगों नूं सारे नूं अपील करना चाहुंदा कि साडी साफ सुथरी पार्टी है, साडे साफ सुथरे लोग ने, साडे कोल पैसे नहीं हैगे वंडन नूं, सानूं कोल पैसे नहीं हैगे शराब पियान नूं, साडे कोल पैसे जाड़न लई नहीं, कोई साडे हक हलाल की कमाई है, असीं उहनां दे तिल फुल च असीं कंपेन कर रहे हैं, जां अपने भरावां दे सहयोग नाल असीं लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे साथी साडे नाल ने। मैं लोगों नूं इह अपील करना चाहवांगा कि शॉर्ट साइटर नहीं बनना चाहीदा कि अज की फायदा हो रहा है, यह नहीं देखना चाहिए, लोंग टर्म सोचना चाहिए कि अगर मेरे वर्गे बंदे नूं जिता के अगे भेजदे आ ते मैं कोशिश करूँगा उन्हां दी सारियां मुसीबतां दा हल किसी ना किसी जगह लब्भा। सो चार विचों किन्नी जिमनी चोणां दे उपर जित हासिल करेगी? आम आदमी पार्टी चारों चार जितने वास्ते तत्पर है, साढ़े मान साहब दिन रात लगे हुए हैं, चारों सीटा असं एक्सपैक्ट करते हैं कि लोग साथ देंगे, क्योंकि मेरा मनना वा कि सच्चाई में थोड़े जे दबिया जा सकता है, मारिया नहीं जा सकता। सो इसी साढ़े नाल मुखेरियां तो आम आदमी पार्टी के जिहड़े इत्थों दे उम्मीदवार ने गुरत्यान सिंह मुल्तानी, जिन्होंने दसिया कि जिहड़ा उन्हां वल्लों दावा किया गया है कि जिमनी चोणां दे चार जिहड़ियां जिमनी चोणां ने पंजाब दे विच उस दे उपर जित हासिल करनगे। सो इसे तरह जिहड़ियां होर भी अगे उम्मीदवार ने उन्हां दी गल तुहाडे तक पहुँचाउंदे रहांगे। सो हुण इत्थे ही तुहाडे तों अलविदा लैंदे हां। कैमरामैन डिंपल दे नाल मैं इंद्रप्रीत कौर पन्नू, मुखेरियां।